बात करेंगे जो कि है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड इसके अलावा क्या है जो हम खाने में लेते हैं एज अ न्यूट्रिएंट, वो रफेज और वाटर। रफेज को हम डाइट्री फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरी है? ग्रोथ और रिपेयर, जो भी पार्ट्स है बॉडी के जो डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उसके अलावा फूड प्रोटीन, जैसे प्रोटीन जो फूड्स होते हैं प्रोटीन के, उन्हें क्या बोला जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, मतलब ये बॉडी मेकिंग में हेल्प करते हैं। इसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं। प्लांट में क्या होता है? मेनली पल्सेस जो भी है उसको क्या है, सोर्स है प्रोटीन का। अच्छा, एनिमल की अगर हम बात करते हैं, एनिमल सोर्स में क्या होता है? मिल्क के प्रोडक्ट्स जितने भी हैं और उसके अलावा फिश मीट एक्सेट्रा, ये हो सकते हैं प्रोटीन के सोर्स। अब अगर हमें पता करना है कि प्रोटीन हमारे खाने में प्रेजेंट है या नहीं है, जो हम खाना इंटेक कर रहे हैं क्या उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है? टेस्ट ट्यूब चाहिए हमें, एक ड्रॉपर चाहिए और फूड एज अ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं फूड का, और जो हमें फूड हमने प्रिपेयर कर रखा है वो भी हम उसकी कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं चेक करने के लिए कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेंगे, उसमें अगर वो सॉलिड पार्टिकल है तो उसे मैश कर लेंगे थोड़ा सा, उसे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। उसके साथ हम क्या कर देंगे, 10 ड्रॉप कुछ वाटर के डाल देंगे और उसे शेक कर लेंगे अच्छे से ताकि वो मिक्सअप हो जाए। उसके बाद हम करेंगे 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, और उसके बाद हम 10 ड्रॉप क्या कॉस्टिक सोडा के डाल देंगे और उसे अच्छे से शेक कर लेंगे। शेक करने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए। और उसके साथ साथ भी क्या होगा कि उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, जिससे क्या होगा, वो एक कलर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। अगर ये सब करने के बाद हमें वायलेट कलर मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन में अगर प्रोटीन की प्रेजेंस को चेक करना है तो हमें कलर कौन सा मिलता है, तो वो कौन सा कलर होता है? वायलेट। तो अगर वायलेट कलर मिल रहा है तो मतलब क्या है कि हमारे खाने में क्या प्रोटीन प्रेजेंट है। इसके अलावा डेफिशिएंसी, एनसीईआरटी में एक लाइन दिया कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, डेफिशिएंसी होती क्या है। जैसे कोई भी न्यूट्रेंट है जो लॉन्ग पीरियड के लिए हमारे खाने में प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम कुछ खाना खा रहे हैं और बहुत लंबे समय से हम सेम ही खाना खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है या बहुत ही कम है, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी कुछ सिम्टम्स शो करेगी जो कि क्या होंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम होंगे। जैसे कि उसके कुछ जो बेसिक सिम्टम्स हो सकते हैं जो हमें बाहर से पता लग सकते हैं कि ये कौन से पर्टिकुलर न्यूट्रेंट के कारण हो सकते हैं, तो लाइक स्टंटेड ग्रोथ, मीन्स ग्रोथ कम हो जाएगी या धीरे धीरे होगी। उसके अलावा क्या हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस में स्वेलिंग हो जाएगी, जो हेयर का कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, स्किन की डिजीज़ शुरू हो जाएंगी होनी, और डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड नेक्स्ट की बात करते हैं हम, जो कि है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अगर सेकंड है कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में स्टार्च और शुगर की फॉर्म में मेनली प्रेजेंट होता है। ये क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। जैसे प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स जो फूड होते हैं वो क्या है, एनर्जी गिविंग है। इसके अलावा ये इसके सोर्स क्या है, सोर्स में हम मेनली ऐसे याद रख सकते हैं कि जो थोड़ा सा खाने में मीठा फील होता है हमें, मतलब मीठा लग रहा है, वो क्या होंगे, जिसमें लगता है कि शुगर है, तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। जैसे कि शुगर केन, स्वीट पोटैटो, मेज, मेलन, मैंगो, पपाया, बाजरा, राइस, व्हीट एक्सेट्रा, जो हम डेली मतलब किसी न किसी माध्यम के थ्रू हम लेते भी हैं। इसके लिए टेस्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो कि कौन सा, अगर हमें कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को चेक करना है कि हमने जो खाना खाया क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो उसके लिए एनसीईआरटी ने जो टेस्ट दिया वो है आयोडीन टेस्ट। तो इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एज इट इज़ दिया हुआ है। तो दूसरा, इसमें हमें करना क्या है, बेसिकली हमें स्मॉल अमाउंट फूड लेना है जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें उसी में चेक करना है कि क्या हमारे उस जो पर्टिकुलर हम फूड खा रहे हैं क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2-3 ड्रॉप उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे और उसके कलर को चेक करेंगे थोड़ा सा शेक करके, उसका कलर क्या उसमें ब्लू और ब्लैक कलर आ रहा है कुछ, अगर हाँ आ रहा है तो इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में प्रेजेंट है। उसके अलावा क्या होता है कि डेफिशिएंसी, जैसे प्रोटीन की हमने देखी, प्रोटीन के बाद हम जैसे हमने खाना खाया और उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं बहुत लंबे समय से, ठीक है, तो वो भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स देगा अपनी बॉडी में। उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज प्रोटीन दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो ग्रोथ है, जैसे प्रोटीन के केस में अगर हमने लंबे समय से प्रोटीन नहीं खाया तो हमारी ग्रोथ धीरे होगी, बट अगर दोनों ही प्रेजेंट नहीं कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तो ग्रोथ क्या है, बिल्कुल रुक जाएगी और बॉडी है वो बहुत ही थिन और लीन हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो इंसान है वो चल भी नहीं पाए अपने आप से। ये कंडीशन भी हो सकती है डेफिशिएंसी से, इतने सीवियर सिम्टम्स भी शो हो सकते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो वो है फैट। फैट का मीन्स है ऑयल। ऑयल की हम बेसिकली यही बात करते हैं कि जिसमें फैटी सब्सटेंसेस मीन ऑयली, या इसी तरह से हम जानते भी इसी तरह से, तो ये भी क्या है, जो बॉडी को ये भी एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं। और ये भी दिस ये भी एक सच्चाई है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट और अगर फैट की बात करते हैं, दोनों एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस हैं या न्यूट्रेंट्स हैं, तो दोनों में से अगर बात करते हैं तो फैट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे हमने दो सेम ही क्वांटिटी ली कार्बोहाइड्रेट और फैट के सोर्स की, तो ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलेगी।
बट हम ज़्यादा फैट कंज्यूम नहीं करते हैं क्योंकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है अपने, तो इसीलिए हम क्या प्रेफर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को एज़ कम्पेयर टू द फैट। अब इसके सोर्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल लाइक सोयाबीन ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल हो गया एक्सेट्रा। एनिमल सोर्स में भी जैसे बात करते हैं जिसमें से हमें थोड़ा बहुत ऑयल मिल सकता है, जैसे फिश ऑयल बोल सकते हैं हम, एग हो गया, मीट घी हो गया, जैसे क्रीम हो गया, मिल्क, इन सब से हमें क्या मिलेगा, फैट कुछ ना कुछ क्वांटिटी में हमें मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं कि फैट के टेस्ट की बात करते हैं तो फैट को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि क्या हमारे खाने में फैट है या नहीं, बहुत ही बेसिक सा इसका है कि हम थोड़ा सा खाना लेंगे, उसको पेपर पे रखेंगे, उसे क्रश कर लेंगे अच्छा सा, क्रश करने के बाद उसे 2-4 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, उसे सूखने के लिए रख देंगे। अगर ऐसा हो सकता है कि हमने जो फूड आइटम लिया उसमें हो सकता है वाटर कॉन्टेंट हो कुछ, तो सूखने के लिए इसलिए ड्राई होने के लिए रख देंगे। 5-7 मिनट बाद उसे ऑब्जर्व करेंगे क्या उसमें ऑयल के कुछ स्टेन हमें दिख रहे हैं, अगर दिख रहे हैं तो मतलब हमारे खाने में क्या है, फैट प्रेजेंट है। इसके अलावा हम बात करते हैं विटामिंस की। विटामिंस और मिनरल ये दोनों ही हमारी बॉडी के लिए थोड़े से कम क्वांटिटी में भी जरूरत है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में भी हो तो भी चलेगा, बट ये नहीं कि बहुत कम कर दिया तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये विटामिंस का बेसिक काम यह है हमारी बॉडी को जो भी डिजीज बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, मतलब लड़ने में इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है। नेक्स्ट है कि ये हमारी जैसे बेसिक आई विजन है, जैसे बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी रखता है। NCERT में एक फ्लोचार्ट दिया हुआ है जिसमें विटामिन से रिलेटेड कुछ डेफिशिएंसी और उनके सिम्टम्स शो किए गए। तो विटामिन ए की अगर बात करते हैं तो अगर ए की डेफिशिएंसी शो जाती है तो उससे क्या होगा, विजन लॉस हो जाएगा, हमें दिखना कम हो जाएगा, या तो हमें जैसे शाम के टाइम दिखना बंद हो जाता है, दिख ही नहीं रहा बिल्कुल। और अगर लंबे समय से विटामिन ए की डेफिशिएंसी चल रही है तो हमें बिल्कुल हमारा लॉस ऑफ विजन हो सकता है। इसके बाद है विटामिन B1 या बी बोल सकते हैं, बेरी बेरी इससे हो जाता है। इसमें होता क्या, बेसिकली जो मसल्स हैं वो हमारी कमज़ोर पड़ जाएंगी और हमें बहुत ही कम एनर्जी मतलब फील होगी, हमारी बॉडी में ऐसा लगेगा कि हमारी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी काम करने की पावर खत्म हो जाएगी ऐसा लगेगा हमें। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें होता क्या, जो सिम्टम्स क्या देगा ये, ब्लीडिंग ऑफ गम्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, अगर कोई छोटी सी भी चोट लग गई तो उसे हील होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो सकता है, और इसमें क्या होता है कि विटामिन डी का वैसे बेसिकली काम क्या है, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो नेचुरली हमें सनलाइट से भी मिल सकता है, और ये बॉडी में जैसे कैल्शियम जैसे हो गया उनको अब्सॉर्ब जैसे उनको अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो विटामिन जैसे कैल्शियम का काम क्या है, बोन्स को बनाने में हेल्प करता है, तो क्या बोन को अगर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम अब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, बोन पर इफेक्ट पड़ेगा जो कि है सॉफ्ट और बेंट हो जाएगी बोन्स है जो। अब कैल्शियम की कमी से क्या, भाई हमने ऊपर पढ़ा जैसे बोन्स और टूथ डीके वगैरह होने शुरू हो जाएगी अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो, ठीक है, इससे क्या होगा, वीक बोन होंगी, टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। आयोडीन की अगर बात करते हैं, आयोडीन से गोइटर नामक एक बीमारी है जो हो जाती है जो कि क्या, जिसमें बेसिक सिम्टम क्या है, गले में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, और अगर बच्चों में आयोडीन की कमी है तो वो मेंटली तौर पर भी क्या हो जाएंगे, डिसेबल्ड हो जाएंगे, वो ज़्यादा सोचने के नॉर्मल बच्चों के कंपेरिजन में थोड़ा सा वो मेंटली रिटार्ड रह जाएंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिसके सिम्टम्स है वीकनेस हमें शो होगी, हम वीक फील करेंगे। अब हम डाइट्री फाइबर और वाटर की बात करते हैं। डाइट्री फाइबर हम प्लांट सोर्स से ही ज़्यादातर लेते हैं, उसको रफेज भी कहते हैं, और वाटर भी वाटर जैसे हम एक्सटर्नली सोर्स से ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, डाइट्री फाइबर भी हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको गेट रिड करने में, मतलब बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ऐसे ही वाटर की अगर बात करते हैं तो वाटर भी क्या है, जो वेस्टेज है उसको क्या करेगा, बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यूरिन, इन सब चीज़ों इन सब की फॉर्म में करेगा। अब एक विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि क्या है, अगर हमने थोड़ी सी भी हीट दी उसे तो वो बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा बहुत सारे न्यूट्रिएंट के में हो सकता है कि जैसे प्रोटीन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम चावल दाल वगैरह है उनको बहुत अच्छे से वॉश करके फिर हम बनाते हैं, तो एक लिमिट समय तक वॉश करना ठीक है, बट अगर हमने ऐसा किया कि हमने उसको 5-6 बार धो लिया बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के, तो उसमें क्या होगा कि जो ऊपर छिलके हैं उनमें उनके थ्रू भी क्या होगा, काफ़ी न्यूट्रेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है, NCERT का लास्ट जो टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है कि हमें जो खाना हम ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, उसमें ये हमें श्योर करना है कि जो ऊपर हमने बोले हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होने चाहिए, कि किसी की भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कम हो गया, कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं होना चाहिए जो कि डिमांड से बहुत ज़्यादा हो गया। तो दोनों के अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं, अगर कम हो गया तो डेफिशिएंसी सिम्टम शो कर देगा, और अगर ज़्यादा बढ़ गया तो भी उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो इसी तरह से हमें जैसे फैट, फॉर एग्जांपल हमने फैट बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दिया ये सोच के कि वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी हमें देता है, तो हमने क्या शुरू किया कि फैटी चीज़ें खानी शुरू कर दी ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, हम मोटापा आ जाएगा, ओबेसिटी बढ़ जाएगी। बस यही है फर्स्ट चैप्टर में NCERT का पुल ऑन कवर, ये पहला चैप्टर है जो हमने कंप्लीट कवर कर लिया है, NCERT बेस्ड है टोटल। थैंक यू सो मच।